Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपका लेक्चर दूंगी मिस्चीफ पर. ये सेक्शन जो इसका है वो है आपका 425 ऑफ आईपीसी. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिस्चीफ के बारे में. देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे दो फ्रेंड हैं, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. अब एक फ्रेंड एक बार उसको अपना सूट दिखाता है कि देखो मेरे पापा ने मेरे को इतना अच्छा सूट जो है दिलवाया है. अब दूसरे फ्रेंड को ना बहुत जेलिसी होती है कि मेरे पापा तो इसे दिलवाते नहीं है, और वो चुपचाप क्या लेता है, कैंची लेता है और उसके सूट को काट देता है. तो अब वो सूट तो बेकार हो गया. तो इस केस में माना जाएगा कि जिसने सूट काटा है, जो एक्यूज्ड है, उसने मिसचीव करी है, वो मिसचीव का अपराधी है. क्योंकि अब उसने जो सूट काट दिया तो इसमें उसकी इंटेंशन क्या थी कि उसको रॉन्गफुल लॉस करने की, कि उसका लॉस कर दिया और गलत तरीके से रॉन्गफुल लॉस किया है. क्योंकि बेचारे का सूट होता है और आप उसे काट देते हैं, तब वो तो पहनने के मतलब कहीं नहीं रहा. तो ऐसे ही होता है कि दो फ्रेंड थे, एक फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट था. अब दूसरा पर्सन जो है वैसे तो फ्रेंडशिप दिखाता था, लेकिन मन ही मन उसे बहुत ग्रजिस लगता था कि ये हमेशा फर्स्ट क्यों आता है. और वो एक बार एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे उसके घर जाता है, उसकी एक किताब देखता है, उसे पता है ये सारा इसी किताब से याद कर रहा है. तो वो क्या करता है, उसके सारे पेपर फाड़ता है और बिल्कुल चूरा कर देता है जिससे वो पढ़ ही ना पाए. तो वो किस इंटेंशन से करता है कि जिससे उसे लॉस हो जाए, अब वो पढ़े ही ना, या फिर वो नई बुक लाने के लिए सारा टाइम वेस्ट करेगा, तो इसलिए वो एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं कर पाएगा. तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, मिस्चीफ का हुआ. क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसकी बुक फाड़ी, इसका मतलब वो क्या करना चाहता था, दूसरे व्यक्ति को जो है रॉन्गफुल लॉस करना चाहता था. तो आपको क्लियर हो गया कि मिस्चीफ किसे कहते हैं. तो मिस्चीफ वो एक्ट होती है जिसमें एक्यूज्ड की इंटेंशन क्या होती है, खराब होती है. मतलब उसे पता होता है कि मेरे इस काम से या तो उसकी इंटेंशन खराब होगी, या फिर उसकी इंटेंशन नहीं भी खराब होगी तो उसको नॉलेज होगी कि मेरे इस काम को करने से किसी पब्लिक को या किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो सकता है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना हो तो उसकी वैल्यू में बहुत कमी हो सकती है. तो माना जाता है कि ये मिस्चीफ है. मैं आपको दोबारा मीनिंग बताती हूँ. अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उस काम करने के पीछे उसकी ये इंटेंशन होती है, अगर इंटेंशन नहीं होती तो ये नॉलेज होती है कि उसके काम को करने से किसी पब्लिक को या किसी पर्सन को या तो रॉन्गफुल लॉस होगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं होती तो उसकी वैल्यू में कमी हो जाएगी. तो माना जाएगा ऑफेंडर ने या फिर एक्यूज ने मिसचीफ किया है, एंड ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 425 फॉर द मिसचीफ. तो अब इसकी मीनिंग क्लियर हो गया. ऐसे ही आप देखिए, मैंने इसके दो एग्जाम्पल भी दिए. अब जैसे देखिए, कोई व्यक्ति जो है, अब वो जो है गुस्से में एक व्यक्ति की सोने की रिंग उठा के नदी में डाल देता है, क्योंकि वो नदी के किनारे ठहल रहे होते हैं और वो कहता है जरा अपनी रिंग दिखाना, और वो बेचारा तो गुड फेथ में रिंग दिखा देता और वो रिंग लेके उसकी नदी में फेंक देता है. तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन क्या थी कि उस व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो. तो उसकी इंटेंशन खराब थी, मैलाफाई थी, और उसने उसका रॉन्गफुल लॉस किया उसकी सोने की रिंग को नदी में फेंक के. तो ये आपका जो है मिसचीफ की कैटेगरी में आएगा. अब इसके लिए दो एक्सप्लेनेशन दी गई हैं. एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में आपको बताया गया है कि जरूरी नहीं है उसकी इंटेंशन ही हो, बल्कि अगर वो जानता है, इसका मतलब उसकी नॉलेज भी हो. तो पहले मैं ये बताने से पहले आपको क्लियर कर दूं इंटेंशन किसे कहते हैं और नॉलेज किसे कहते हैं. जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस काम करने के पीछे आपकी कोई पर्पस होता है, कोई डिज़ाइन होता है, तभी आप वो काम करते हैं. तो वो जो पर्पस होता है काम करने का, वो कहलाता है आपका इंटेंशन. इंटेंशन क्लियर हो गया. अगर किसी काम को करने के कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो होंगे, और आपको अवेयरनेस है कि मेरे इस काम के करने से ये कॉन्सिक्वेंस होंगे, तो वो कहलाती है नॉलेज. तो आपका मिसचीफ के केस में जरूरी नहीं है कि आपकी इंटेंशन ही मैलाफाइड हो, कि आप दूसरे को
रॉन्गफुल लॉस देना चाहते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या आप उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी करना पड़ते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं भी है लेकिन आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको ये नॉलेज होती है, इंटेंशन खराब नहीं है, आप उस व्यक्ति को जानबूझ के वो नहीं करना चाह रहे हैं, रॉन्गफुल लॉस नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है, आपको ये भी नॉलेज है कि आपके काम के करने से उसे रॉन्गफुल लॉस हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी हो जाती है, तो भी वो मिसचीफ की कैटेगरी में आता है। तो इंटेंशन ही जरूरी नहीं है, अगर नॉलेज भी होगी तो भी वो जो है मिसचीफ के लिए कल्प्रिट माना जाएगा। ये कहती है हमारी एक्सप्लेनेशन वन। अब एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन सेकंड कहती है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के दो को जॉइंट ओनर है, अगर ऑफेंडर अपनी ही प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उससे क्या होगा, उसको तो लॉस होगा ही होगा लेकिन साथ में जो को ओनर है उसे भी लॉस होगा, तो इस केस में भी वो मिसचीफ का दोषी माना जाएगा। वो ये नहीं कह सकता भाई दूसरे का लॉस हो रहा है, मेरा भी तो लॉस हो रहा है इस काम को करने से, तो ये प्ली उसकी नहीं सुनी जाएगी। तो अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई दो को जॉइंट ओनर है और एक व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाता है जिससे उसे भी लॉस होता है और जो को जॉइंट ओनर होता है उसे भी होता है, तो भी माना जाएगा कि वो जो है मिसचीफ का दोषी है। फॉर एग्जाम्पल, एक घोड़ा है और उसके दो मालिक हैं। अब पहला मालिक जो होता है उसकी दो मालिक हैं, आप मान लीजिए ए और बी, तो ए जो है अपने घोड़े को जो है शूट करके उसे मार देता है। अब घोड़ा तो उसका भी गया लेकिन वो बी का भी था तो बी को भी लॉस हुआ, अब वो उस पर राइडिंग नहीं कर सकता, तो माना जाएगा ये मिसचीफ का केस है। ए ये नहीं कह सकता था कि मेरा भी तो घोड़ा था, मेरे को भी तो नुकसान हुआ है, लेकिन उसने दूसरे का भी नुकसान किया अपने नुकसान के साथ साथ, तो ये मिसचीफ का केस माना जाएगा। तो दोनों एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई। पहली एक्सप्लेनेशन कहती है कि इंटेंशन तो होना ही जरूरी नहीं है, अगर नॉलेज हो तो भी वो मिसचीफ में आएगी, तो या तो इंटेंशन हो या नॉलेज हो। दूसरी केस कहती है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उस प्रॉपर्टी पे दूसरा भी कोई को जॉइंट ओनर है और उसे लॉस होता है, तो वो भी मिसचीफ की कैटेगरी में आया है भले ही आपको भी उससे लॉस हो। तो ये क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे मिसचीफ के इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका एसेंशियल होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन या चेंज जरूर होना चाहिए प्रॉपर्टी में, कि जो भी आपने कोई काम किया है उसकी वजह से प्रॉपर्टी में या तो कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए या फिर जो है कोई चेंज होना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है, आपका एक फ्रेंड है, उसने अपनी शिप का जो है इंश्योरेंस कराया, ठीक है। अब आपने उसके इंश्योरेंस के पेपर को फाड़ के फेंक दिए जिससे कि वो इंश्योरेंस का पैसा ना ले सके अगर उसका शिप जो है डूब जाता है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी को, जो इंश्योरेंस की प्रॉपर्टी, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, तो माना जाएगा कि उसने मिसचीफ किया। सेकेंड होता है, सच चेंज मत डिस्ट्रॉय और डिमिनिश इट्स वैल्यू, या तो वो डिस्ट्रॉय कर दे या उसकी वैल्यू में कमी कर दे, तो वो भी मिसचीफ की कैटेगरी में ही आता है। इसमें बहुत अच्छा केस हुआ था आपका गोपी नायक वर्सेस सोमनाथ का। कौन सा केस था ये आपका? गोपी नायक वर्सेस सोमनाथ का। इसमें अक्यूज ने क्या किया, जो दूसरा व्यक्ति था डिफेंडेंट, उसके वाटर पाइप का जो कनेक्शन था उसे ही काट दिया, जिसकी वजह से वो पूरा पाइप खराब हो गया और उसकी वाटर सप्लाई भी रुक गई, तो माना गया कि यहाँ पे उसने उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, इसलिए वो मिसचीफ का दोषी। तो क्लियर हो गए, क्योंकि उसने वाटर पाइप काटा तो उसे वाटर सप्लाई भी नहीं मिल रही थी और वो वाटर पाइप भी खराब हो गया। अब थर्ड आता है इसका कि जो वो कॉजिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन कर रहा है उसकी या तो इंटेंशन हो या फिर जो है उसकी नॉलेज हो। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में भी बताया था कि अगर इंटेंशन है, मैलाफाइड इंटेंशन, इंटेंशन क्या है कि दूसरों को लॉस करना, अगर उसकी इंटेंशन नहीं भी है लेकिन उसे नॉलेज है कि मेरे इस काम से दूसरे को लॉस हो सकता है, तो भी वो मिसचीफ की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है अपने कैटल को लेके जा रहा है, वो थक जाता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, बराबर में ही एक खेत होता है। अब वो क्या करता है, अपने उन जो उसके कैटल होते हैं उन्हें बांध के नहीं रखता, उन्हें खुला छोड़ देता है। अब उसे पता है
कि जब ये खुला छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे दूसरे के खेत में भी जा सकते हैं और उसकी सारी फसल खराब कर देंगे। जबकि वो व्यक्ति उस खेत के मालिक को नहीं जानता, उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती कि उसकी फसल खराब करनी है, लेकिन वो आराम करने के चक्कर में जो है थोड़ा लेजी हो जाता है। लेकिन उसे ये तो पता ही है, अगर मैं कैटल्स को लूज छोड़ दूंगा तो खेत में जाके जो उसकी सारी फसल चट जाएंगे वो, लेकिन वो फिर भी छोड़ देता है। तो यहाँ पे माना गया कि उसकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उसको नॉलेज तो थी कि अगर उसने कैटल को खुला छोड़ा तो वो बराबर वाले खेत की सारी फसल खराब कर देंगे। तो माना गया कि ये भी मिस्चीफ का ही केस। तो अब आपको मिस्चीफ पसंद, मतलब आपको क्लियर हो गया। तो मिस्चीफ में आपको देखना होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को जो है रॉन्गफुल लॉस करता है, या उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, या ऐसे डिस्ट्रॉय करता है कि वो पूरी डिस्ट्रॉय ना करके उसकी वैल्यू में जो है कमी आ जाती है। अब चाहे वो उसने इंटेंशन से किया हो या इंटेंशन से नहीं किया हो, तो उसको वो नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था आपका मिस्चीफ। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मिस्चीफ बताया है। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।